दिल्ली से बाया नालागढ़, ऊना व हमीरपुर के लिए गत 18 मार्च को दिल्ली से रवाना हुई बस में यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को जिला बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में एहतियात के तौर पर भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार संबंधित व्यक्ति इस बस का परिचालक था। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित व्यक्ति का सैंपल लेकर टेस्ट के लिए IGMC भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ होगी। कोरोना वायरस के लिए बनाए गए निगरानी अधिकारी MOH डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें मंगलवार रात को BMO झंडूता से इस बारे में सूचना मिली थी कि संबंधित बस में यात्रा करने वाला एक व्यक्ति बिलासपुर जिला से संबंध रखता है, जिस पर संबंधित व्यक्ति को बुधवार सुबह 108 एम्बुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर संबंधित व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। आज सुबह रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में एक संदिग्ध, जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण तो नहीं है पर उसका एक कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, वो हमने दाखिल किया है और उसका टेस्ट कराने के लिए हमने सैंपल लेके शिमला भेज दिया है। तो होपफुली आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तब पता चल पाएगा कि ये रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सर, ये आया कहाँ से? ये जो लड़का है ये नालागढ़ से हमीरपुर आया था और उस बस में था जिसमें कि पहले कोई एक या दो पॉजिटिव केस जो नालागढ़ के थे वो मिले थे। तो हमने इसी शक के आधार पर सैंपल लिया है कि हो सकता है कि बीच में रास्ते में कभी कांटेक्ट ना हुआ हो, तो उसी वजह से सैंपल लिया गया इसका।